subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. भुसावळ येथील दिनांक 17 फेब्रुवारी रोजी ऑर्डनन्स फॅक्टरी येथील नागरिकांनी जम्मू काश्मीर येथील पुलवामा जिल्ह्यात 14 फेब्रुवारी रोजी झालेल्या भ्याड अतिरेकी हल्ल्यात जे वीर जवान शहीद झाले या शहीद वीर जवानांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करण्यासाठी कॅन्डल मार्च मोर्चा काढला. हा मोर्चा ऑर्डनन्स फॅक्टरी येथील डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर उद्यानापासून सुरुवात करून सुभाषनगर परिसरातून फिरून पुन्हा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर उद्यानाजवळ येऊन शहीद वीर जवानांच्या मोठ्या फलकासमोर मेणबत्ती लावून सासरू रैनांनी त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण केले. या मोर्चात सहभागी नागरिकांनी यावेळी पाकिस्तान विरोधात जोरदार नारेबाजी आणि घोषणाबाजी केली. यात त्यांनी पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, वीर जवान अमर रहे, भारत माता की जय अशा घोषणा दिल्या. या प्रसंगी घोषणा देताना सहभागी प्रत्येक नागरिकाच्या चेहऱ्यावरती संताप, राग, चीड आणि आक्रोश असे भाव स्पष्टपणे दिसून येत होते. लवकरात लवकर भारत सरकारने पाकिस्तानला धडा शिकवून चांगली अद्दल घडवावी आणि काश्मीरमधील 370 कलम रद्द करण्यात यावा. शहीद वीर जवानांच्या कुटुंबियांच्या मागे आम्ही खंबीरपणे उभे राहत अशा प्रकारच्या प्रतिक्रिया नागरिकांनी आय बी न्यूज महाराष्ट्रला दिली. 14 को भारत में जम्मू काश्मीर में पुलवामा में हमारे वीर सैनिकों के ऊपर पाकिस्तान पुरस्कृत जैश ए मोहम्मद इस नापाक अतिरेकी संगठन ने हमारे सीआरपीएफ जवानों पर जो हमला किया उसका हम ऑर्डनेंस फैक्ट्री भुसावळ वसाद की तरफ से जितने रक्षा कर्मियों के जो हमारा चौथा स्तंभ आयु निर्माणी भुसावळ के सभी वसाद के लोगों ने इस घटना का हम इस रैली द्वारे तीव्र निषेध करते हैं और भारत सरकार से ये डिमांड करते हैं कि इस वीरों की शहादत इस शहादत को हम कभी भूल ना पाए और इस शहादत को पूरा उनको उनका सम्मान मिले और इस शहादत का बदला आप जल्द से जल्द लें. उनके परिवारों का हम भारत सरकार ने पूरे जिम्मेदारी के साथ उनका पुनर्वसन करना चाहिए. हम जो घटना पुलवामा में घड़ी उसका निषेध करते हैं और ये दोबारा इस देश में इस तरह की घटना ना हो ये भारत सरकार का कर्तव्य है कि ऐसी घटनाओं से बचने के लिए जो पुख्ता इंतज़ाम वो करना चाहते हैं उन्हें अपने अधिकारों से वो करना चाहिए. बस इतना ही कहते हुए मैं इस वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पण करें उन्हें कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, उन्हें नमन करता हूँ और ऐसे वीर पुरुषों को ऐसे वीर जवानों को मैं ऑर्डनेंस फैक्ट्री भुसावळ वसाद की तरफ से उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूँ. जय हिंद. देखिए हम सभी जानते हैं 14 तारीख को क्या हुआ. बोलने के लिए कुछ है तो नहीं, पर ये बहुत छोटा सा तरीका है रैली निकाल के उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने का. बस बहुत दुख है उनके लिए हमारे मन में और बस हम उनको कभी भूलेंगे नहीं, हमेशा याद रखेंगे.